ये है पराठा, और ये है कुंदरू का, इसको भुजिया बोलते हैं। कुंदरू जो है ना ग्रीन कलर में होता है, बहुत लोग जानते हैं या सारनिया आते हैं। ये है मिर्च का अचार और ये आम का अचार है। ये देखिए, ये आम का अचार है, इसका मसाला हटा हुआ है लेकिन इसके ऊपर मसाला चिपका हुआ होता है। ये ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में इस तरह का अचार होता है, ये मार्केट में आपको नहीं मिलेगा, घर में बनता है ऐसा। और ये भी ये मिर्च का अचार है। तो ये मिडिल क्लास भोजन है, सिंपल है, न रायता न कुछ सलाद, ये बिल्कुल मिडिल क्लास है। और स्पेशली जब कोई अकेले रहता है और ख़ुद बना के खाता है तो आप देख सकते हैं इसी तरह का खाना होता है, अपनी मर्जी है। ये देखिए, ये इस तरह का पराठा है, परतदार, जिसको आप लच्छेदार भी कई जगह पर बोला जाता है, ये पराठा है। तो आज रक्षाबंधन है और हमने, क्योंकि मैं अकेले रहता हूँ दिल्ली में, तो हमने यही बनाया है। तो चलिए हम अब खाते हैं इसको। ये देखिए, ये हमारी सिस्टर ने भेजा है, तो ये हमने बांध लिया है, खुद ही बांध लिया है। और ये जो खाना मैंने बनाया है, तो ये खाना मैं अब खाने वाला हूँ। अभी के टाइम लगभग 12:30 के आसपास हो रहे हैं, तो अब मैं खाना खाऊंगा, क्योंकि ये बांध के ही खाना था आज। नहा के तो कपड़ा साफ किया, आज ऑफिस का छुट्टी है, तो उसके बाद हमने ये खाना बनाया। ज़्यादा चॉइस नहीं है, क्योंकि खाना खा लेते हैं यही काफ़ी है, तो इसलिए ये सिंपल सा खाना बनाया और अब ये खा रहा हूँ। ज़्यादातर ये मिडिल क्लास लोग खाते हैं, ज़्यादातर बड़े बड़े लोगों का तो ऑनलाइन ऑर्डर होता है। मैं बड़े लोगों की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, एक हैबिट बन जाता है इस तरह की सोसाइटी में, उनकी इसमें कोई नहीं है, ये फूड हैबिट है। इसमें किसी की गलती या किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं कहा जाएगा, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, और कई चीज़ें होती हैं जो इंटरनेशनल फूड हैं, जो रेस्टोरेंट से ऑनलाइन ऑर्डर करके खाए जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है, अपनी मर्जी, मेरा मानना है कि जो इस खाने में मज़ा है, मैं भी बाहर कुछ खा चुका हूँ, फास्ट फूड है या जो, लेकिन इस पराठे और भुजिया, जिसको बोलते हैं सूखी सब्जी, जिसको कह सकते हैं, फ्राई किया हुआ कुंदरू है और अचार है, ये भी है आम का खट्टा अचार, और बाकी कुछ नहीं है, सलाद वलाद नहीं है, क्योंकि अब खरीद के लाना भी है, फिर स्वाद काटना भी है, इतना कोई सिंगल रहता है वो करता नहीं है, इसलिए फटाफट कुछ भी बनाया, रोटी बन गया, पराठा बन गया, ये बड़ी बात है, नहीं तो मैगी बना के खाना पड़े, उससे तो बेटर क्या, यही ओरिजिनल फूड है। मेरा मानना है इसमें जो स्वाद है ना, आप कमेंट करके बताइए कि क्या ये जो खाना है, मेरे ये हेल्दी है या इसमें कुछ कमी है, हमें और भी कुछ खाना चाहिए, या ये गरीबों का खाना है, आप बताइए। आप क्या बड़े बड़े घरों में भी इस तरह के सिंपल खाना खाए जाते हैं क्या? क्योंकि वहाँ नौकर खाना बनाते हैं, नौकर का खाना बनाने का स्टाइल ज़रूरी नहीं कि घर में किसी सदस्य के बनाए जैसा हो, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी करता है। तो बड़े घरों में क्या इस तरह के खाना आप लोग खाते हैं, और खाते हैं तो कैसे खाते हैं, खुद करते हैं या आपके घर का नौकर अच्छा स्वादिष्ट बना देता है आपके लिए, आपके कहे अनुसार ऑर्डर करते हैं और क्या वो बना देता है, मनचाहे रंग बिरंगे पराठे बना देता है? आप हमें ज़रूर कमेंट में लिखिए, मैं जानना चाहता हूँ और लोग भी जाने कि सही में हम अलग अलग घरों में
मिडिल, लोअर मिडिल और अपर मिडिल में के खान पान में क्या डिफरेंसेस हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ और लोगों को भी बताना चाहता हूँ। आप लोग बताइए, कमेंट करें, लाइक करें। आज मैं फ्री हूँ, ऑफिस नहीं है तो खुद से खाना बना रहा हूँ। मार्केट में राजमा चावल, कढ़ी चावल, सब्जी रोटी खा ली, ये सब दिल्ली का भोजन यही सब है। बहुत मुश्किल होता है रियल टेस्ट वाला पराठा मिल जाए, मिलता भी है तो वो टेस्ट नहीं होता है। तो आप बताइए, थैंक्स। रक्षाबंधन है, आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, सभी बहनों को, सभी भाइयों को। थैंक यू, नमस्कार।